हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इजी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और इजी डीआईवाई वीडियो में इजी क्राफ्ट आज हम कर रहे हैं फेस्टिव अप्रोप्रिएट कुछ क्विक से झटपट से लास्ट मिनट लिटरली लास्ट मिनट क्राफ्ट में आज आपको बता रही हूँ। तो एक तो जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो थंबनेल में भी आपने देखा ये बेल्ट मैंने रेडी किया है एंड दिस इज एक्चुअली नॉट स्पेसिफिक टू गरबा, ये आप किसी भी और ओकेजन्स में किसी भी और फेस्टिवल्स में एक्चुअली इसको कैरी कर सकते हो डिफरेंट कलर्स के साथ प्ले कर। इट्स वेरी वेरी ईजी टू मेक। तो ये हम बनाने वाले हैं, जो भी ज्वेलरी वगैरह देख रहे हो ना ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसके वीडियोज रिव्यू रविवार पर आपको मिल जाएंगे। कुछ आई बटन पर आपको लिंक दे रही हूँ, बाकी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। चलो फटाफट से आप चलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बस तो फिर इसी नोट पर ले आओ जितना कुछ भी आपके पास ना क्राफ्ट वाला सामान है। अगर मेरी वीडियोस आप देखते हैं जिसके चांसेस कम है, बहुत कम लोग देखते हैं वीडियोस, बट नॉनदलेस कभी तो देखेंगे। इस थॉट के साथ मैं बना रही हूँ यार ये सब कुछ। तो मेरे वीडियोस में ना जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है हम वो वाले क्राफ्ट करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं छुटपुट छुटपुट आप देख रहे हो वो सब कुछ मैं ले आई हूँ, बट मेरे लिए ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी। अब जैसे ये जो मिरर्स आप देख रहे हो या ये जो कौड़ी आप देख रहे हो, तो ये एक वॉल हैंगिंग सा था जो काफ़ी पुराना हो गया था, बट यू नो मिरर तो पुराना होता ही नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने उसमें से निकाल के एंड देन फिर ये मैंने इकट्ठा कर लिया। चलो बहुत सारी बैक स्टोरी हो गई, अभी आ जाते हैं। आप फ्रेश ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है वो ले सकते हो। तो अब मैं काफ़ी सारी एसेसरीज यहाँ पर बना रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में आप सिर्फ वो बेल्ट वाला देख पा रहे हो, बिकॉज ये पूरे गरबे के लिए मैंने प्रिपेयर किए थे जिसको मैंने यूज़ भी किया है एंड दैट वाज द होल पर्पस। मैं यूज़ करने वाली हूँ इसीलिए मैंने इन्हें बनाया है, बट उसकी फुटेज मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है इट्स इजी ऑफिशियल आर। तो वहाँ पर जो एवरीडे का लुक होता है वो मिल जाएगा, उसके जो ज्वेलरी मैंने बनाई जो एसेसरी बनाई है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी फ़िलहाल ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा है कि हेयर एसेसरी बना रहे हैं, वुल यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट यू नो रिबन सॉर्ट ऑफ यूज़ कर रहे हैं जिसको हेयर स्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। कलर ऑब्वियसली गरबा है काफ़ी कलरफुल होता है, आउटफिट्स हमारे कलरफुल होते हैं, या अगर सेम कलर का आउटफिट भी उसके साथ कलरफुल एसेसरी कर लो तो वो लुक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहला मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने अपनी आपकी हेयर लेंथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ये थ्रेड कट कर लो। वुल लिया है मैंने यहाँ पर, तो वो मैं तीन कलर लिया है मैंने, रेड पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, जिसके साथ मैं इस तरीके से कौड़ी जो है इसको भी उसमें मर्ज कर रही हूँ एक तरीके से। सो क्या करना ना, जो एंड्स हैं आपके ऊन के जहाँ से आपने कट किया है थोड़ा सा वहाँ पर ग्लू लगा लेना, उससे क्या होगा वो थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाएगा और आपको ये कौड़ी या कुछ और घुंघरू आप लगाना चाहो, कॉइन्स लगाना चाहो, जो ये बोहो कॉइन्स आते हैं वो सब कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो यहाँ पर। तो बस उसको इस तरीके से ब्रेड बना लिए, थोड़ा 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 गैप कर कर आप देख रहे हो और दैट्स इट, ये रेडी है। अब नेक्स्ट वन जिसमें मैं एक बेल्ट बना रही हूँ, तो ये भी एक बेल्ट है काफ़ी डेलिकेट सा। ये मैंने ऐसे केसेस के लिए बनाया है कि जब आउटफिट आपका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाउड हो तो उसमें ना यू नो सिर्फ आपकी वेस्ट पे एक ऐसे पतला सा कुछ है और कौड़ी वगैरह उसमें लगी हुई तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो भी ये भी मैंने कैरी किया था बाय द वे। सो ये आप बना सकते हो। तो इसको एक मैंने ऊन ले लिया है ब्लैक कलर का, कलर पूरा इसमें इस तरीके से फिल कर लिया है। अब इसके बाद दो तीन तरीके हैं, तो आप ऐसे भी लूज लूज भी इसको इस तरीके से रख सकते हो, या अगर आपको सिक्योर करना है इसको इन प्लेसेस में तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये गैप हमने क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं बिल्कुल उसके पास आकर, ये नॉट लग जाएगी लाइक दिस। तो जब आप इसको टाई करेंगे ये बहुत अच्छे से नीचे इस तरीके से फॉल करेगा और ये अपने प्लेस पर भी रहेगा, तो ये भी इट्स गोइंग टू लुक गुड। और एंड में मैंने इस तरीके से एक पर्ल जो है एक मोती वो लगा दिया। तो अब ये प्रोसेस सेम डिस्टेंस मेजर कर कर सारे ही रिकॉर्डिंग में कर लेंगे। बस अब फटाफट से हाथ हमें चलाना है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब आप फर्स्ट आपने मोती और कौड़ी डाला उसी टाइम पर नॉट भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट एसेसरी हम बनाते हैं, अभी हमने बना लिया है एक इस तरीके का सिंपल ऐसी ब्रेड बना के, मैं अभी और बनाऊंगी जो आप फास्ट फॉरवर्ड शॉर्ट्स में देखोगे अलग अलग कलर के। एक हमने ये कमरबंद बना लिया है, सिमिलरली ऐसे ही पैर के लिए भी हम बना सकते हैं एंड साथ में कुछ ये क्रोशिया से बनाए हुए हैं। तो ये तो फिलहाल मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्रोशिया शायद सब कंफर्टेबल ना हो उसके लिए। तो ये क्रोशिया से बनाए हुए हैं, ये भी ब्रेड जब आप अपनी ब्रेड बनाओगे उसमें इंक्लूड कर सकते हो, सिंपल कलर्स के आप इसको बना सकते हो इस तरीके से या मिक्स करके कलर्स। नाउ अब एक मैं गोटे के साथ बना रही हूँ बिकॉज ये भी काफ़ी अच्छा लगता है फेस्टिव में,
फेस्टिवल्स में। तो ये ऐसे कोई गोटा ले लेना है, जैसे ये ले लिया है, इसको मैं ये दो कलर्स के साथ बना रही हूँ। सो ये भी हेयर एसेसरी है एंड इसको भी आप एज अ ब्रेसलेट या एज अ पायल, पाजेब या कमरबंद कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौड़ी वौड़ी लगा के। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं कुछ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बट इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहो, कौड़ी घुंघरू या कॉइन्स या कुछ और भी चार्म्स आते हैं वो लगाना चाहो। सिंपल मैंने यहाँ पर इसको इसे ब्रेड बना लिया है, जो नॉर्मल हम ब्रेड बनाते हैं। डिफरेंट तरीके की ब्रेड भी मैंने नहीं बनाई है, बिकॉज अगेन वीडियो का पर्पस ही यही कि लास्ट के अगर 5 मिनट भी आपके पास हैं, सो यू कैन एक्चुअली मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये हमें सिंपल सा ब्रेड बना लेना है, उसमें गोटा लगा हुआ है तो एक वो अच्छी सी शाइन, और यूजुअली जो हमारे लहंगे होते हैं या चुन्नी होती है उसमें ये गोटा तो होता ही है, ये तो पार्ट रहता है, तो उससे वो मैचिंग भी बड़ी अच्छी होती है। एंड दैट्स इट, इतनी बात करने में तो ये रेडी हो गया है। एंड इसी के साथ साथ दूसरे और बना लेते हैं इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। इसमें मैंने क्या किया है, ये 3 अलग अलग कलर लिए हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। एंड लास्ट में मैं इसमें एक कौड़ी ऐड करने वाली हूँ। तो वो भी जैसे आपने कुछ एक बन सा बना लिया या सिंपल ऐसे ओपन हेयर हैं आपके और उसमें कहीं कहीं आपने ये फिक्स कर दिया और नीचे कौड़ी कौड़ी लग रही है, तो वो भी बड़ा अच्छा सा लगता है। फिलहाल वीडियो में दिखाने के लिए मैं सिर्फ सिंगल बनाए हैं ये। आप चाहो तो इसको बंच में भी बना सकते हो, या सिंगल बना लो और कहीं एक किसी एक जगह पे यूज़ करो। इसे बन बना लिया है या जूड़ा बना लिया उसके अंदर। नाउ इसके साथ मैं एक और रेडी किया है, जिसे भी आप मेरे इंस्टा पर जाकर देख सकते हो कि इसको मैंने कहाँ यूज़ किया है। ये मैंने 3 बनाए हैं कि लेंथ ज़्यादा है, 2 की लेंथ इक्वल है। सो दैट सो हेयर एसेसरी हमने बना ली। अब इसी से सेम मैं कुछ आपको बैंगल या कड़ा सॉर्ट ऑफ बनाना बता रही हूँ। तो अपना जो भी साइज़ है आपका, उसके कुछ बैंगल्स ले लीजिए जो अब आपके काम नहीं आती हैं। तो इन्हें सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे 1 by 1। एंड इसके ऊपर सिंपली सेम चीज़ हम एक सेट सॉर्ट ऑफ बना रहे हैं, तो इसको इससे पूरा कवर करेंगे, रैप करने वाले हैं। सो अब ये वाला फटाफट फास्ट फॉरवर्ड शॉट्स में आप देख लो। हालांकि इसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, इस तरीके से चूड़ियों को स्टैक करके, देन उसको स्टिक कर उसके बाद आप उसमें डिफरेंट या तो कौड़ी वगैरह लगा सकते हैं। अगर फैब्रिक लगाइए उसके ऊपर कौड़ी लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप मिरर्स लगा सकते हैं। सो बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं उसके ऊपर, ये मोती आप लगा सकते हो या हैंगिंग बना सकते हो। सो बहुत सारी और चीज़ें हैं। लेट मी सी कि इससे कवर करने के बाद अगर मैं इसमें हैंगिंग ये शेल लगाती हूँ तो वो आप अभी देखोगे इसमें, और आपको उसमें थंबनेल पे तो दिख ही गया होगा। सो या दैट्स इट। सो अभी फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू, इससे भी अच्छे से ग्लू हो जाता है। आप कोई और ग्लू है, मतलब ऑल फिक्स टाइप का कुछ ग्लू है तो वो भी आप लगा सकते हो। और क्योंकि हम सेट बना रहे हैं, तो और जो मेरा ड्रेस है वो इसी सेम कलर का है, बिल्कुल ये बेबी पिंक वाला उसका कलर है, सॉफ्ट पिंक बोल सकते हो। तो वो सेम थ्रेड जिससे मैंने वो हेयर एसेसरी बनाई है, वही सेम थ्रेड इस पर मैं बिल्कुल ऐसे रोल कर रही हूँ। तो सिंपल क्या किया, पहले मैंने चूड़ियों को स्टैक कर लिया, उसको सूखने दिया, उसके बाद फिर मैं इसमें ये ग्लू लगा रही हूँ और उसको पूरा राउंड करके लगा दिया। अब सिमिलरली गोटा को भी मैं ऐसे स्पाइरल कर रही हूँ थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, वही गोटा जो हमने उसमें यूज़ किया हुआ है गोल्डन वाला। उसके बाद मैंने उसमें पिंक कलर का ऊन भी लगाया है, तो उससे भी बहुत अच्छा एक कलर और एक पंच सा उसमें ऐड हो रहा है, अभी आप देखोगे शॉर्ट्स में। ओके सो नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं वेस्ट बेल्ट, जो हम मिरर से बनाएंगे, स्टिक कर थोड़ा सा कलरफुल करेंगे उसे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बकरम ले लिया है एंड ये ब्लैक क्लोथ, ब्लैक उसका बेस रहेगा। सो सिंपली क्या करना है, जितनी भी आपको विड्थ चाहिए, जैसे मैं बहुत मोटा नहीं बना रही हूँ, पतला ही बनाऊँगी, तो पतला ये कट करके देन इसमें इसको स्टिक हम कर देंगे, या आप स्टिच भी कर सकते हैं, एक सिलाई आप लगा लो अगर मशीन आपको आता है चलाना, अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं ये फैब्रिक ग्लू, से भी अच्छे से ग्लू हो जाता है। फिलहाल मैं तो खैर इसमें मशीन चलाऊंगी और इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं, अभी आप देखोगे तो सिंपल है, बस इस तरीके से कट करना है। एंड मैं इतना ही स्पेस इसमें लूँगी जितने में मैं यहाँ पर अपने मिरर स्टिक करूँगी। इसमें मिरर स्टिक कर सकते हैं, कौड़ी स्टिक कर सकते हैं, तो वो भी अगेन यूनिवर्सल, आप जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। कौड़ी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ अभी, इसीलिए मैं अब एक मिरर से बना रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे इसमें मैं पेस्ट करने वाली हूँ, तो इतना स्पेस मैं इसमें रखूँगी, तो ये ऐसे एंड ऐसे, तो इतनी ही विड्थ मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो नीचे कौड़ी भी लगा सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू, जितना आपको जैसे इसको जायज़ अप करना है वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके बाद फिर इसमें
खूब सुंदर सुंदर इसमें वुल हम यूज़ करेंगे डिफरेंट कलर का, और उसके साथ कुछ इस तरीके का इसको पैटर्न में देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सिंपल स्केल से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया सो दैट वो स्ट्रेट आए, कहीं से कोई गड़बड़ ना आए, और ऐसे ही कपड़े पे भी, फैब्रिक पे भी मैंने ऐसे मार्क कर लिया, उसके बाद कट कर लिया, उसके बाद इसको स्टिच कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लेना साइड से, क्योंकि वो आप फोल्ड करके देन स्टिच करोगे। और सिंपल एक सिंगल सिलाई ही मैंने रखी है, और फिर मैंने ना ये फैब्रिक के ही बनाए थे उसमें टाई करने के लिए, बट ये एक्चुअली उतना फिर मुझे अच्छा लगा नहीं, बाद में फिर मैंने वुल के बना लिए जो आप फाइनल लगे देखोगे शॉर्ट में। तो ऊन से ही फिर मैंने ब्रेड बना के देन उसको में सी के साथ में सिलाई उसमें लगा दी थी। सो ये स्टिच कर मैं आ गई हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा ये दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये हम वैसे भी पूरा इसको ना ऐसे कवर करने वाले हैं, तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा। एंड जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर हम थ्रेड ले जाने वाले हैं लाइक दिस, मतलब थ्रेड पेस्ट करेंगे, और ये भी हम कलरफुल थ्रेड्स इसमें यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी सुंदर सा हो जाएगा। नाउ अगेन यू सी, इस तरीके का भी कोई पैटर्न इफ़ यू वांट यू कैन मेक, मतलब आप यहाँ पे बीच में एक राउंड दे सकते हो, देन ये दो ट्रायंगल्स दे सकते हो, फिर यहाँ पर एक राउंड, मतलब वो राउंड वाला आप दे सकते हो, देन अगेन इस तरीके से ट्रायंगल से ये पैटर्न आप पूरा थ्रू आउट द बेल्ट क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स अप ऑल अप टू यू कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे मैंने फिर वुल का ले लिया, बट अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है शायद ये भी मैंने छोटा ले लिया, बट लेट मी सी कि मैं इसको कैसे फिक्स करूँगी। फिलहाल इट्स इजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैंने तो मेहंदी लगा ली, मेहंदी में लिख लिया है नाम। चलो तो अभी इसको बनाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड शॉर्ट्स में आप देखो, सबसे पहले मैं इसे स्टिक करूँगी, देन उसके बाद थ्रेड से इसे कवर करेंगे। बस जी इसी के साथ लग जाओ काम पर, चाय कॉफ़ी ले लो अपनी, और उसके बाद ये स्टिक किया। अगेन यहाँ पे भी मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, फैब्रिक ग्लू बहुत सही चीज़ होती है, इससे बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता है, बस आपको उसको ड्राई आउट होने का कंप्लीट टाइम देना पड़ेगा, एक बार वो सूख गया उसके बाद वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये हमने कर लिया है लाइन से थोड़ा थोड़ा गैप रख के, सेम ही इक्वली गैप आप रखना। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कलर ले लो, जो भी कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। अगर आपको मल्टी कलर नहीं बनाना है, सिंगल किसी कलर का बनाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, और बट क्योंकि गरबा में या इन जनरल भी फेस्टिविटीज़ में, वेडिंग्स में कलर्स हमेशा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोच के कि थोड़ा चलो यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ मेरा बेल्ट बन जाएगा, तो मैंने ये अलग 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 कलर यहाँ पर लिया है इस तरीके से। इसके लिए भी मैंने फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ किया है, फटाफट से पूरा बेल्ट अपना सेम ही पूरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में रेडी कर लिया है। राइट, सो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये बेल्ट एक्चुअली, अभी एज यू कैन सी बहुत प्यारा लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा क्लियरली अगर आप क्लोजली इसको देखोगे ना, तो कई कई ग्लास में ना स्पॉट्स हैं, मतलब जो ग्लू के स्पॉट रह गए, तो कुछ नहीं करना है, एक ऐसे कोई भी वेट कुछ भी डस्टर वगैरह ले लेना, और उससे इसको ऐसे एक एक मिरर को हमें क्लीन कर देना है। दैट्स इट, नाउ सी, तो काफ़ी अच्छा तरीके से, अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा बेल्ट तो रेडी है ही। नाउ अब इसमें आपको जो भी कुछ ऐड करना है, लाइक नीचे अगर आपको कौड़ी ऐड करनी है, या इस तरीके से ऐसे यू नो झालर जैसे माला बनानी है, सो इट्स एक्चुअली फैब्रिक, आपने देखा कि हमने फैब्रिक और बकरम यूज़ किया, तो ईजीली सुई धागा की हेल्प से आराम से हो जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट लाइक दिस, इसमें कुछ और मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ, एंड बाद में कभी लगेगा तो देखेंगे ऐड करेंगे, एंड ऐड करूँगी तो फिर मैं अपने इंस्टा पे डेफिनेटली इसको शेयर करूँगी। बातें तो काफ़ी हो गई, मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड शॉर्ट्स में आप देखना, एंड दैट्स इट। बस अब क्या है, बेल्ट रेडी है, सारी एसेसरी रेडी है, खुद रेडी कर लेते हैं खुद को, और सीधे चलते हैं गरबा करने के लिए, गरबा ग्राउंड में। गरबा से रिलेटेड भी ढेर सारे वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, रिहर्सल वीडियोस, सब कुछ है चैनल पर, और धीरे से ये मैं फिनाले वाले जो वीडियोस हैं वो भी मर्ज कर रही हूँ, बना रही हूँ वीडियो, और वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। सो यार ये सब कुछ देखने के लिए ना सब्सक्राइब कर लेना, और प्ले लिस्ट जाकर ज़रूर चेक करो, हमारा भोपाल प्ले लिस्ट में फिलहाल तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, और भी बहुत सारी प्ले लिस्ट है। एक काम करो ना, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ जाकर आपको ना सारी ही प्लेलिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट करता है जाओ देखो, शो सम लव बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।